नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सागर से। दरअसल सागर में 21 तारीख योगा दिवस से लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है, वैक्सीन की कमी ने जो है टीकाकरण की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जी, हम आपको बता दें कि ये जो है दोपहर 12 बजे के बाद केंद्रों पर पहुंची है वैक्सीन। दोपहर 2 बजे तक 46% टीकाकरण हुआ है और लाल स्कूल टीकाकरण प्रांगण में लोगों की भीड़ देखी गई है। सागर जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जो है, हम आपको बता दें, टीकाकरण की रफ्तार में वैक्सीन की कमी रोड़ा बनी है। गुरुवार को जिले में वैक्सीनेशन की शुरुआत देरी से हुई। इसके अलावा वैक्सीन की कमी के कारण जिले में वैक्सीनेशन का लक्ष्य कम किया गया है। गुरुवार को जिले में वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है 12,200 रखा गया। इसमें दोपहर 2 बजे तक जिले में 5,551 लोगों को टीका लगाया, यानी 46% वैक्सीनेशन हुआ। इस समय केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य जारी है कि ग्रामीण केंद्रों पर वैक्सीनेशन की कमी जो है ये देखी गई है, जिसके कारण लोग परेशान हुए हैं। उन्हें आधे से एक घंटे तक सेंटर पर टीका लगवाने के लिए इंतज़ार करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि ज़िले में गुरुवार को टीकाकरण के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन आने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद ही ज़िले में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। हालांकि कुछ केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से टीका लगना प्रारंभ हुआ। शुरुआत में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत ज़िले में रोज़ाना 30,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वैक्सीन की कमी लगातार बन रही थी, जिसके कारण टीकाकरण की रफ्तार जो है धीमी पड़ गई। और हम आपको बता दें, 12:30 बजे मिली वैक्सीन लगवाने के लिए जो है लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई सभी केंद्रों पर। गोपालगंज क्षेत्र के लाल स्कूल स्थित टीकाकरण केंद्र पर दोपहर करीब 12:30 बजे वैक्सीन पहुंची। वैक्सीन आने के बाद ही टीकाकरण प्रारंभ किया गया। यहां टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं रजिस्ट्रेशन कराने में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा है लगातार, और ऐसी लापरवाही महंगी साबित होगी। इस केंद्र पर दोपहर करीब 1 बजे तक 26 लोगों को टीका लगाया गया था। सुबह से पहला और दूसरा डोज लगाया गया। MLB स्कूल स्थित टीकाकरण केंद्र पर भी 18 और 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस सेंटर पर सुबह 9:30 बजे से वैक्सीनेशन शुरू किया गया। हालांकि यहां लोगों की भीड़ नहीं लगी, लोग आसानी से टीका लगवा कर घर लौटे। कुल मिलाकर जो है टीकाकरण अभियान चल तो जोरों से रहा है, लेकिन कभी कभी बीच में ये जो कमी है वैक्सीन की आ जाती है, इससे जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम आपसे यही अपील करेंगे, लगातार वैक्सीन के केंद्रों पर जाकर अपनी वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो ये बात अलग है, लेकिन वैक्सीन लगवाइए।